फ्रेंड्स आप लोग जो है थंबनेल को देख के समझ गए होंगे कि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिस्लेरी मिनरल वाटर का डिस्ट्रीब्यूटर जो है आप अपने एरिया में जो है कैसे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल जानकारी दिया है, तो आप लोग जो है इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा ताकि जो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं उसकी नॉलेज आपको पूरी तरह से मिल सके। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि फ्रेंड्स जितने भी मेरे नए नए वीडियो है बिजनेस और फ्रेंचाइजी के रिगार्डिंग उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों बिना लेट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर पहले हम लोग बिस्लेरी कंपनी के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिस्लेरी जो है इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेबल ब्रांड है मिनरल वाटर में, और ये जो बिस्लेरी ब्रांड है ये बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है जो कि मिस्टर जयंती लाल चौहान के थ्रू जो है 1984 में जो है एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे जानकारी दे दूँ कि बिस्लेरी इंटरनेशनल जो कंपनी है ये मिनरल वाटर के अलावा जो है कार्बोनेटेड ड्रिंक भी जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो फ्रेंड्स हम लोग वीडियो के आगे में देखेंगे कौन कौन से कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है बिस्लेरी कंपनी के आते हैं। बिस्लेरी कंपनी के जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है 122 ऑपरेशनल प्लांट है जिसमें से 13 प्लांट जो है कंपनी का खुद का है। इसके अलावा बिस्लेरी कंपनी के जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है 5000 से भी ज्यादा जो है डिस्ट्रीब्यूटर जो है इनके अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स यहां से जो है डायरेक्टली मैं आपको कंपनी के वेबसाइट पर लेके जाना चाहता हूं। मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि बिस्लेरी कंपनी जो है मिनरल वाटर के अलावा जो है क्या-क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहां पे हम लोग बिस्लेरी कंपनी के वेबसाइट पे आ चुके हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बिस्लेरी का जो है मिनरल वाटर जो है यहां पे अलग-अलग साइज का आता है, जैसे कि 20 लीटर का जार आता है, उसके बाद जो है 2 लीटर का जार आता है, 5 लीटर का जार आता है, 1 लीटर का, 500 ml का, 250 ml का भी यहां पे जो है बोतल अवेलेबल है। इसके अलावा जो है यहां पे देख सकते हैं वेदिका हिमालयन स्प्रिंग वाटर जो है यहां पे बिस्लेरी कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो है बिस्लेरी का वेदिका स्प्रिंग वाटर है। इसके अलावा जो है बिस्लेरी कंपनी यहां पे बहुत सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक जो है यहां मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो आप देख सकते हैं जो यहां पे बिस्लेरी का जो है क्लब सोडा आता है, इसके बाद स्पाइसी आता है, लेमिनेटो आता है, उसके बाद फोनजो यहाँ पे बिस्लेरी कंपनी का आता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप बिस्लेरी का आप मिनरल वाटर का डिस्ट्रीब्यूटर आप लेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप ये सारे का भी डिस्ट्रीब्यूटर लेने के लिए आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगा। इसके अलावा बिस्लेरी कंपनी जो है यहाँ पे हैंड प्योरीफायर भी जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है। फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप कंपनी से बॉक्सेस आप खरीदते हैं मिनरल वाटर का, तो फ्रेंड्स आपको कंपनी जो है यहाँ पे ऑफर में जो है ये सारे प्रोडक्ट जो है आपको अवेलेबल करा के आपको देती है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप 20 का अगर आप जार सेल करते हैं तो उस पे जो है इसका भी ऑफर रहता है कि आपको हैंड प्योरीफायर जो है आपको उसमें फ्री दिया जाएगा। फ्रेंड्स जब आप यहां पे कंपनी के साथ में आप जुड़ेंगे तब आपको पूरी तरह से जानकारी हो पाएगी कि फ्रेंड्स ये जो हैंड प्योरीफायर है आपको किस प्रकार से आपको सेल करने के लिए दिया जाएगा। तो यहां पे जो है आप ये सारे बिस्लेरी का प्रोडक्ट देख के आप समझ सकते हैं कि फ्रेंड्स जब आप यहां पे बिस्लेरी कंपनी का आप डिस्ट्रीब्यूटर आप लेंगे तो फ्रेंड्स यहां पे जो है आपको कौन कौन प्रोडक्ट सेल करने का आपके पास में अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो फ्रेंड्स यहां पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आपको बिस्लेरी कंपनी का अगर डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपको बनना है तो इसके लिए जो है आपको क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहां पे जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है आपको गोडाउन के लिए एरिया जो है 800 स्क्वायर फीट से लेके 1000 स्क्वायर फीट जो है आपको लगने वाला है। उसके बाद जो है आपको ऑफिस का एरिया 200 स्क्वायर फीट लगेगा। इसके बाद जो है आपको कमर्शियल व्हीकल जो है आपको परचेस करना पड़ेगा, यानी कंपनी से जो भी आपको स्टॉक मिलेगा मिनरल वाटर का तो उसको जो है आपको रिटेलर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो उसी के लिए जो है यहाँ पे आपको कमर्शियल व्हीकल जो है आपको परचेस करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस फोटो में आपको इसी प्रकार का जो है आपको कमर्शियल वैन जो है आपको परचेस करना है सर्विस के लिए। इसके बाद जो है आपको मेन पावर जो है आपको रखने पड़ेंगे। पहला जो मेन पावर है आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, उसके बाद जो है मार्केटिंग का पर्सन रखना पड़ेगा, ड्राइवर रखना पड़ेगा, लोडर और अनलोडर जो है यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद जो है आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपको डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि कंप्यूटर हुआ, प्रिंटर हुआ, सीसीटीवी कैमरा हुआ, इंटरनेट कनेक्टिविटी हुआ, इन्वर्टर हुआ, टेबल हुआ, चेयर हुआ, ऐसे और भी बहुत सारे जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेनली जो है आपको ये सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहेगी जब आप यहाँ पे बिस्लेरी मिनरल वाटर का डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप अपने एरिया के लिए बनते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आप बिस्लेरी मिनरल वाटर का डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप अपने एरिया के लिए लेते हैं तो आपको कौन कौन से लाइसेंस यहाँ पे आपको लेने पड़ेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहला जो लाइसेंस है आपको सॉप एक्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा, जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, उसको जो है आपको गुमस्ता लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप इसी चार लाइसेंस में जो है आप बिस्लेरी मिनरल वाटर का डिस्ट्रीब्यूटर जो है आप रन कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बिस्लेरी मिनरल वाटर का अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप अपने एरिया के लिए लेते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए जो है आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। फ्रेंड्स यहां पे जो भी मैं आपको इन्वेस्टमेंट दिखाया हूं इसमें जो है आपका ऑफिस और गोडाउन का कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप गोडाउन परचेस करते हैं या आप रेंट पे लेते हैं तो आपके एरिया में क्या प्राइस चल रहा है उसी के हिसाब से जो है यहां पे आपको
इन्वेस्टमेंट में जो है उसका प्राइस ऐड करना पड़ेगा। तो मैंने यही कंसिडर किया है कि यहाँ पे ऑफिस और गोडाउन का जो स्पेस है आपका खुद का है, इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट को पूरा बाइफर्केट यहाँ पे किया है। यहाँ पे जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया उसके लिए जो है आपको 1,00,000 रुपये लग जाएगा। उसके बाद जो है आपको कमर्शियल व्हीकल आपको परचेस करना पड़ेगा जिसके लिए मैंने यहाँ पे 5,00,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल के थ्रू जो है आप डिस्ट्रीब्यूशन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे जो है आपका कमर्शियल व्हीकल का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इंक्रीज होगा। मैंने यहाँ पे जो है एक गाड़ी का प्राइस मैंने कैलकुलेट किया। इसके बाद जो है कंपनी से आपको इनिशियल स्टॉक जो है आपको 3,00,000 का परचेस करना पड़ता है, उसका जो है आपको वर्किंग कैपिटल 2,00,000 रुपये का आपको अपने पास रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है आपको 10,00,000 रुपये यहाँ पे आपको लगने वाला है अगर आप बिस्लेरी मिनरल वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप अपने एरिया के लिए लेना चाहते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप बिस्लेरी का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप अपने एरिया के लिए ले लेते हैं तो आपको जो है कंपनी से 1 लीटर का जो बॉक्सेस होता है वो आपको कितने प्राइस में मिलेगा, उसके बाद जो 250 ml का जो बॉक्सेस होता है तो वो आपको कितने प्राइस में मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने पूरा प्रॉफिट को कैलकुलेट करके बताया कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप इसको अच्छी तरीके से आप लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिस्लेरी का जो है 1 लीटर का बॉक्सेस है जिसके अंदर जो है 12 पीस जो है 1 लीटर का बिस्लेरी मिनरल वाटर होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि पहले जो बिस्लेरी का जो कार्टून का बॉक्स होता था वो कम्प्लीटली अलग होता था, पर अभी जो है कंपनी की तरफ से जो है इसका बॉक्सिंग चेंज किया गया है। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं यहाँ पे जो प्राइस है वो आपका इंक्रीज़ हो चुका है। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो प्राइस है कंपनी की तरफ से आपको जो है 140 रुपये से लेके 145 रुपये पर बॉक्सेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। फ्रेंड्स यहाँ जो प्राइस का मैंने रेंज लिखा है ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने जिस लोकेशन पे बिस्लेरी का डिस्ट्रीब्यूशन आपने लिया है तो वहाँ से बिस्लेरी कंपनी का वेयर हाउस कितना दूरी पे है, क्योंकि फ्रेंड्स वेयर हाउस से आपके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक लाने के लिए जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है कॉस्ट आपको लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो है एक प्राइस का रेंज दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पर बोतल जो प्राइस है 11.67 रुपये से लेके 12 रुपये के बीच में जो है आपको पड़ता है, जिसका MRP 20 रुपया हो। तो यहाँ पे जो है टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रॉफिट मार्जिन रख के जो है आप यहाँ पे रिटेलर को आप सप्लाई करते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पे 250 ml का जो बिस्लेरी का मिनरल वाटर आता है फ्रेंड्स आप इसका भी दे सकते हैं जिसके अंदर 40 पीसेस होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो 250 ml का बॉक्सेस आता है तो आपको 130 रुपये से लेके 140 रुपया पर बॉक्सेस जो है आपको यहाँ पे कॉस्ट लगता है, तो जिसमें आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको जो पर बोतल का जो प्राइस है आपको 3 रुपये से 3.5 रुपये के बीच में जो है आपको लगता है, जिसका MRP जो है 6 रुपये जो है कंपनी की तरफ से जो है उस बॉक्स में प्रिंटेड रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं MRP जो है यहाँ पे 6 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि बिस्लेरी का जो अलग अलग साइज का जो बोतल आता है उसका क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पड़ेगा और उसका क्या MRP रहता है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो 20 लीटर का जो जार आता है तो जिसका प्राइस जो है 60 रुपये से लेकर 65 रुपये के बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूटर को यहाँ पे पड़ता है, जिसका MRP 100 रुपीज़ यहाँ पे रहता है। इसके साथ जो है ऑफर भी रहता है, जो मैंने आपको बताया था कि बिस्लेरी कंपनी जो है हैंड प्योरीफायर जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इसी को जो है यहाँ पे ऑफर में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो 1 लीटर का यहाँ पे बिस्लेरी का बोतल आता है जिसका डिस्ट्रीब्यूटर का जो प्राइस है 12 रुपये लगता है, जिसको MRP 20 रुपीज़ है। इसके अलावा जो 500 ml का है उसका 6 रुपये जो है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है और यहाँ पे MRP जो है 10 रुपया है। इसके बाद जो 250 ml का जो बोतल आता है डिस्ट्रीब्यूटर जो प्राइस है 3 रुपया है और MRP जो है 6 रुपया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको क्लेरिफाई हो गया कि आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन रख के जो है आपको रिटेलर को यहाँ पे सेल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने पूरा प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। यहाँ पे मैं बता दूँ कि फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे बिस्लेरी मिनरल वाटर का अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर रन करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका डेली का सेल है 250 से लेके 300 बॉक्सेस पर डे होना चाहिए, तभी जो है आप इस बिजनेस में आप टिक पाएंगे। नहीं तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपका बिजनेस लॉस में चलने वाला है अगर आपका इस बॉक्स से कम में आपका सेल होता है। तो यहाँ पे जो है मैंने डेली का जो सेल है मैंने 200 बॉक्सेस कंसिडर किया है और यहाँ पे देख रहे हैं मैंने पर बोतल जो है प्रॉफिट मार्जिन 2.20 रुपये से लेके 2.5 रुपये यहाँ पे कंसिडर किया है। फ्रेंड्स यहाँ पे जितना भी आपका बोतल है बिस्लेरी का 250 ml 500 ml 1 लीटर 2 लीटर उसके बाद जो है आपका 20 लीटर का जो जा रहा है, तो फ्रेंड्स सारे का मैंने यहाँ पे प्रॉफिट जो है एक एवरेज में मैंने दिखाया है कि यहाँ पे अगर आपका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन 2.20 रुपये से लेके 2.5 रुपये है तो यहाँ पे जो आपका पर बॉक्स जो प्रॉफिट मार्जिन है आपका 30 रुपये यहाँ पे आपको मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक बॉक्स के अंदर जो है 12 पीस जो है 1 लीटर का मिनरल वाटर जो है बिस्लेरी का रहता है। तो अगर आप 12 को अगर 2.5 से अगर आप इंटू करोगे तो फ्रेंड्स आपका 30 रुपये जो है पर बॉक्स जो है प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे आपका आने वाला है।
तो यहाँ पे अगर आप डेली का 200 बॉक्सेस सेल करते हैं तो यहाँ पे 30 को मैंने 200 बॉक्सेस से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, जो आपका डेली का ग्रॉस प्रॉफिट है यहाँ पे 6000 रुपया आपका निकल के आने वाला है। अगर आप मंथली ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका मंथली ग्रॉस प्रॉफिट है आपका 1,80,000 रुपया यहाँ पे आपका आने वाला है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मैंने मंथली एक्सपेंडिचर नहीं दिखाया, ये जो है टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने नंबर ऑफ मैन पावर रखा है, उसके बाद जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है जो है वो कितना बड़ा है, तो उसी के हिसाब से जो है आपका मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ पे आपका आने वाला है। तो आपका जो भी मंथली एक्सपेंडिचर आएगा आप जो है इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप माइनस कर दीजिएगा तो आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। फ्रेंड्स अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में यही आता होगा कि अगर आप यहाँ पे बिस्लेरी मिनरल वाटर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप अपने एरिया के लिए ले लेते हैं तो आप जो है स्टॉक जो है कहाँ कहाँ आप सेल करेंगे, यानी फ्रेंड्स आपका जो है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए ताकि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से चल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है तो वहाँ के सारे लोकल रिटेलर को जो है आपको पकड़ना पड़ेगा, वहाँ से जो है आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसके बाद जो जितनी भी कैटरिंग इंडस्ट्री है आपको इसको भी टारगेट करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपके एरिया में जितना भी रेस्टोरेंट ढाबा चल रहे होंगे तो फ्रेंड्स आपको उसे कॉन्टैक्ट करके जो है आपको ऑर्डर लेना पड़ेगा, उसके बाद जितने भी बार होते हैं वाइन शॉप होते हैं वहाँ भी जो है जाके आपको ऑर्डर लेना पड़ता है, उसके बाद जो है आपको कॉर्पोरेट हाउस को भी टारगेट करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आप बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस को भी जो है आप टारगेट करके जो है आप ऑर्डर ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप इंडस्ट्री सप्लाई में भी जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स बहुत सारे इंडस्ट्री रहते हैं जहाँ पर कैंटीन की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, तो आपको उसी कैंटीन से जो है आपको बहुत सारे ऑर्डर जो है बिस्लेरी मिनरल वाटर का आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपको एमएनसी कंपनी के जो भी सप्लायर होंगे आपको उससे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे एमएनसी कंपनी जो है बहुत सारे फंक्शन पार्टी होते रहते हैं तो वहाँ पर जो है 250 ml का बिस्लेरी वाटर का जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहता है, तो वहाँ पर अगर आप सप्लायर से अगर आप कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जो है आपको एक ह्यूज जो है आपको ऑर्डर मिलने वाला है। देन उसके बाद आपके एरिया का जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ या पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ तो वहाँ पर जो है आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर कैंटीन और मेस की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है, तो आपको उस कैंटीन से जो है आपको इसका ऑर्डर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स मेनली जो है आप इसी इंडस्ट्री को टारगेट करके जो है आप अपने स्टॉक को जो है पूरा कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो है एक मार्केटिंग का आपको मेन पावर हायर करना पड़ेगा जो कि डेली बेसिस जो है आपको ऑर्डर लाकर आपको प्रोवाइड करेगा। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पे अगर आप बिस्लेरी मिनरल वाटर का डिस्ट्रीब्यूटरशिप अगर आप लेना चाहते हैं तो आप कंपनी से कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स कंपनी से कॉन्टैक्ट करने के लिए जो है आपको इस पेज पर आना पड़ेगा, मैं इस पेज का लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहां पर देख रहे हैं अप्लाई फॉर डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, तो यहां पे जो है आपको नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पिन कोड, सिटी और स्टेट और यहाँ पर टिक आउट करके जो है आपको इस फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। फ्रेंड जब आप इस फॉर्म को सबमिट करते हैं तो उसके बाद जो है कंपनी की तरफ से आपको एक मेल भी आता है और उस मेल में जो है आपको एक अटैचमेंट दिया जाएगा जिसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको फिल करके कंपनी को जो है आपको रिप्लाई करना पड़ता है। इसके अलावा जो है आप इस नंबर पर कॉल करके भी जो है आप अपना इंटरेस्ट जो है कंपनी को आप बता सकते हैं। यहाँ पर अगर आप कॉल करके आप जानकारी लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स कंपनी जो है आपको आपके एरिया का जो भी एरिया मैनेजर होगा उसका नंबर आपको प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स आप उस एरिया मैनेजर से मिलकर भी जो है आप डायरेक्टली ये सारे चीज़ की आप बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे जब आप कंपनी से बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए तो फ्रेंड्स आप कोशिश करें कि बिस्लेरी के जितने भी सारे फिजी ड्रिंक्स आते हैं यानी कि जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक के जो प्रोडक्ट आते हैं आप उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप बात करें। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि यहां पे आपको पूरा जानकारी हो गया होगा कि अगर आपको बिस्लेरी मिनरल वाटर का अगर डिस्ट्रीब्यूशनशिप अगर आपको अपने एरिया के लिए लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। फिर भी अगर आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो फ्रेंड्स आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं जानकारी उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।